जो बाद में भविष्य के संरक्षणकर्ताओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करेगा। यह केवल बड़े बिल्लियों के बारे में नहीं था जिसके लिए कॉर्बेट चिंतित थे। उन्हें जंगली जीवन का जटिल जाल बहुत दिलचस्प लगा। उन्होंने प्रत्येक प्राणी की भूमिका को पहचाना, छोटे से छोटे कीड़े से लेकर सबसे बड़े हाथी तक, और समझा कि एक की जीवित रहने की बात सभी की जीवित रहने से जुड़ी है। कॉर्बेट का प्रभाव भारत या केन्या की सीमाओं तक सीमित नहीं था। उनकी लेखन और संरक्षण में काम ने वन्य जीव संरक्षण में वैश्विक रुचि जगाई। उनकी किताबें मानव भक्षियों का पीछा करने और शिकार करने की रोमांचक कहानियों से भरी हुई थीं। यह एक गहरी क्रिया के लिए आह्वान थी। वे इन शानदार प्राणियों और उनके आवास की संरक्षा की आवश्यकता पर जोर देते थे।